ए इस वीडियो में मैं अपने सारे पीसी कंपोनेंट्स का ओपनिंग करके दिखाऊंगा और तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पीसी में क्या क्या लगा हुआ है और उनका कितना प्राइस है, कहाँ से ख़रीदना है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उनका प्राइस भी दिया हुआ है। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, जितने में मैंने ख़रीदा मैं वो प्राइस बताऊँगा। अब तुम लोगों को ज़्यादा में मिलता है कम में मिलता है वो तुम्हारा अलग है। तो जैसे ही मैंने RTX 3070 Ti खोला, मतलब जिसका बॉक्स खोला, तो उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन में एक बात खास ये है कि यार ये देखो, तुम जो ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसमें है ना, ड्रैगन्स को दिखाया हुआ, छोटे कार्टून ड्रैगन्स हैं और उन सबको दिखाया हुआ कैसे तुम इंस्टॉल करते हो ग्राफिक कार्ड को, कैसे तुम इसका स्टैंड लगाते हो। तो ये छोटा मिनी बुक टाइप हो गया ये, ठीक है। और इसके बाद इसमें इसका मैट होता है, मतलब मैट नहीं बोल सकते इसको, माउस पैड बोलते हैं। तो माउस पैड MSI सुप्रीम एक्स का आता है और इसके बाद स्टैंड आता है और एक ग्राफिक कार्ड आएगा, मतलब ग्राफिक कार्ड, इंस्ट्रक्शन, स्टैंड और ये मैट। तो मैट मतलब सॉरी, ये माउस पैड। तो माउस पैड देख सकते हो, अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने एक ही एंगल से बनाई है कि मेरे पास और कोई था नहीं पकड़ने के लिए इसको, बाहर अलग अलग जगह से दिखाने के लिए। तो जितना दिखता है उतना देख लो। और तुम लोग को प्राइसिंग जाना, तो प्राइसिंग सबका मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मैंने इसमें सिर्फ पीसी का प्राइसिंग रखा है, बाकी जो चीज़ें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और हेडफोन, इन चारों का प्राइस यार मैंने अभी नहीं, मतलब अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर लिया क्योंकि मैं यार 1 महीना हो गया मुझे पूरा सामान को मंगाते मंगाते हैं, तो 1 महीने के अंदर मेरा पूरा सामान आया है। तो यार ये ग्राफिक कार्ड का स्टैंड है और मैं तुम लोग को यही बता, अगर तुम पूरा वीडियो देखोगे तुम लोग को यही पता चलता रहेगा कि मैंने ये सामान क्यों ख़रीदा है, ठीक है, यही क्यों ख़रीदा है, और कुछ भी तो ख़रीद सकता था वैसा टाइप का। देखा और 3070 Ti जो है सुप्रीम एक्स, वो बेस्ट वर्जन है 3070 Ti का, ठीक है, अक्रॉस ऑल द गेमिंग जो भी है 3070 Ti के जो भी कार्ड्स हैं। एक और है वो इससे थोड़ा सा अच्छा, लेकिन वो इंडिया में नहीं मिलता है। तो मतलब इंडिया में बेस्ट 3070 Ti तुम्हें यही मिलेगा, वो है सुप्रीम एक्स, ठीक है। और ये ग्राफिक कार्ड का साइज़ देख के मुझे काफ़ी अजीब से लगा कि यार काफ़ी बड़ा है ये साइज़, 1 फुट के आसपास का होगा, और जबकि 3080 मुझे लगता है इससे छोटा है साइज़ में। तो ठीक है, मैं साइज़ ही कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, मेरे कोहनी से लेके और कलाई, मतलब कलाई से भी आगे तक जा रहा है ये, मतलब उंगलियों तक जा रहा है। तो देख लो तुम कितना बड़ा होगा, और मेरा हाइट तो 6 फीट है, तो ऑब्वियसली ये 1 फुट की इससे ज़्यादा बड़ा कार्ड है, ठीक है। तो तुम इसे इसमें है ना, जो मैंने केस लिया उसमें ये मतलब फिट तो बैठ गया, लेकिन ये फिट ही बैठा है और उसके अलावा आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये है, और मैंने ये ग्राफिक कार्ड ख़रीदा इसलिए क्योंकि यार ये और नियर, मतलब 3080 जितना एक्सपीरियंस देगा तुम्हें। और एक बात ये है कि 3070 से सस्ता मिला था, 3070 तुम्हें 1 लाख के आसपास का मिलेगा, ये मुझे 90,000 का पड़ा। वो मैं बता दूंगा एक्चुअल में कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कहाँ से लिया, वो मैं आगे बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये है हमारा डीप कूल का पावर सप्लाई, और ये पावर सप्लाई है 850 V Gold 2, अच्छा V2 Gold है, 850 वोल्ट का लिया है। पावर सप्लाई तुम्हें हमेशा अच्छा लेना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारा पावर सप्लाई ख़राब है तो तुम्हारे सारे कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, मतलब इसमें सारी जो केबल्स है वो निकली हुई आती हैं, लगी हुई कोई भी केबल नहीं आती है, तुम इसको खुद से लगाओ सब, मतलब सारे केबल तुम्हें खुद से लगाना है इसके अंदर भी और कंपोनेंट्स के अंदर भी। तो ये हम 850 क्यों लिया, क्योंकि यार रिकमेंडेड है 750 रिकमेंडेड है 3070 के लिए, 3070 Ti के लिए। और मुझे इसमें एक और ग्राफिक कार्ड लगाना है छोटा, यानी 1660 सुपर या फिर ऐसा टाइप का, ताकि एक स्ट्रीमिंग और एक गेमिंग के खेलने के काम आए। तो बस वो लूँगा, इसलिए मैंने 850 ले लिया, ताकि कोई छोटा ग्राफिक कार्ड हो 3060 से नीचे तक का, वो इसमें आराम से लग जाए। और जैसा कि तुम देख रहे हो मुझे कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मुझे अनबॉक्सिंग का, देख लो। और अब मैं ये अनबॉक्स करूँगा, हाँ ऐसे जब खुले नहीं तो मैं फाड़ देता हूँ, और मैं हंस भी इसीलिए रहा हूँ कि मैं फाड़ देता हूँ चीज़ों को, अगर खुल नहीं रहा था बहुत देर से मैंने फाड़ दिया उसको, पता नहीं कहीं सीरियल नंबर वगैरह तो नहीं हटा इसका, लेकिन फिर भी फाड़ दिया था। और इसके अंदर देखो, इसकी ये जो पहले निकाले ये मॉड्यूलर केबल्स है, इसके अंदर केबल में मतलब देख लो तुम, एक तो जो तुम्हारा हार्ड डिस्क में लगता है, एक तुम्हारा ग्राफिक कार्ड में लगता है, एक केबल तुम्हारा मदरबोर्ड में लगता है, और एक केबल और है जो मदरबोर्ड में लगता है लेकिन वो लगता है सीपीयू के लिए लगता है। तो ऐसे केबल्स लगे हुए हैं इसमें, और ये रहे जो केबल्स अलग अलग तरह के, 24 पिन, 6 पिन, 8 पिन और 8 पिन सीपीयू केबल्स। नहीं तब देख लेना कहीं नेट वेट पे पता चल जाएगा, इतना भी जानकारी मतलब मुझसे कि बाद में तुम्हें ना कुछ खरीदने से पहले ही बार बार सोचो कि यार इसमें 8 पिन है कि नहीं, 16 पिन है कि नहीं।
चलो छोड़ो ये बात को छोड़ो और मैं ये देखता हूँ। तो पावर सप्लाई मैं जैसे बता रहा था बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा 10 साल का वारंटी का है, और ये करीब करीब कितना 9,000 के आसपास का पड़ा होगा मुझे। एक्चुअल प्राइस मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? अभी तो मैं सिर्फ ये बना रहा हूँ, एक्चुअल प्राइस मैं एडिट करके उसमें डाल दूंगा, एक्चुअल प्राइस और सारी चीज़ों का कितना है। पर मुझे एकदम सही मिला और सही लगा मुझे, तो मैंने ले लिया ये वाला। और जैसे तो इसके अंदर ये छोटे छोटे वो है तार, मतलब वायर्स को यू नो बांधने के लिए, कि तुम्हें वायर्स केबल मैनेजमेंट जो होता है ना उसके लिए। बाकी कोई खास केबल नहीं निकले मेरे हिस्से, ऐसे भयंकर केबल निकले। और देखो बाकी सारे कंपोनेंट्स जो मैंने लिए हैं वो सब भी कुछ ना कुछ सोच के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि यार उस कंपोनेंट में मतलब मन किया तो ये उठा लिया, मन किया तो वो उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सारे कंपोनेंट्स मैंने देख के और सोच के लिए हैं। तो ये रहा पावर सप्लाई, आई गेस पावर सप्लाई ये, हाँ पावर सप्लाई ये पूरा मॉड्यूलर है। देखो आगे कहीं से कुछ अटैच नहीं है, मैं बस बटन दबा के देख रहा हूँ। इसके अंदर फैन है और ये पीछे पूरा है। तुम यहाँ पे देखोगे स्टॉप करके तो पूरे सेक्शन में है ना, एक दो सेक्शन है, तीन सेक्शन है टोटल। एक सेक्शन जो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करता है, मतलब पावर सप्लाई उसमें जाती है। एक सेक्शन से सीपीयू और जीपीयू में जाता है, एक सेक्शन से जाता है मदरबोर्ड में। तो ये है। अब इस पावर सप्लाई के बाद हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं छोटी छोटी चीज़ों का। इन अनबॉक्सिंग भी क्या करी है, ये हार्ड डिस्क है 2 TB, आई गेस वेस्टर्न डिजिटल का है। और उसके बाद ये हमें दिखेगा एक्सपीजी का 500, सॉरी एक्सपीजी का 3200 हर्ट्स वाला, ये क्या बोलते हैं रैम है, 8 8 GB के दो हैं, क्योंकि 16 GB का एक लोगे तो तुम्हें पता है ये ड्यूल चैनल का चक्कर होता है, ठीक है? ड्यूल चैनल में फास्ट चलती है रैम, तो इसलिए दो लो और दोनों को अलग अलग चैनल पे लगाओ, ठीक है? और अब इसके बाद है हमारा SSD। SSD ये सीधा मदरबोर्ड में अटैच होता है ये, ठीक है? और मैंने वीडियो बनाया नहीं उसका, क्योंकि यार मतलब बहुत कोई पकड़ के रखना चाहिए था इसको, क्या नाम है, मोबाइल को पकड़ के रखना चाहिए था ताकि ये वीडियो सही से बने, लेकिन कोई था नहीं मेरे पास तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये तुम्हारा 500 TB, 500 GB SSD है, और रैम देख लिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इनको कंपोनेंट को तुम पास से भी देख के क्या करोगे, कुछ नहीं हो इनमें। तो रैम मुझे करीब करीब 8,000, नहीं 8,500 का पड़ा, और ये SSD करीब करीब 5,500 का। और ये आता है सबसे, देखो मेन चीज़ तुम्हारा ये है असली जान पूरे पीसी की, वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये है Z590 UDAC, गीगाबाइट का है। देखो तो UDAC में पता है क्या होता है कि तुम्हें ब्लूटूथ और वाईफाई मिलता है अटैच मदरबोर्ड में, ठीक है? तो तुम्हें अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। इसमें ग्राफिक्स भी आते हैं मदरबोर्ड के अंदर, लेकिन मेरा प्रोसेसर ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा प्रोसेसर लिया, क्योंकि मैं आगे बता दूँगा तुम्हें क्यों लिया ऐसा प्रोसेसर जानबूझ के ना। पहले मदरबोर्ड देख सकते हैं, तो इसमें मतलब 3.2, 3.1, 3.0 तीनों हैं, 2. तो नाम ही नहीं है इसमें मदरबोर्ड में USB का। और इसके अलावा ये इसमें दो तीन स्लॉट है, नहीं दो स्लॉट है ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए, दो राइजल केबल लगाने के लिए, और चार वही जो और बाकी चीज़ें कॉमन है, जैसे एक CPU स्लॉट होगा, 3 SSD स्लॉट है, और उसके अलावा 4 RAM स्लॉट है इसके अंदर, ठीक है? बहुत अच्छा मदरबोर्ड है ये। अगर तुम्हें लेना है तो कम से कम Z490 या 590 ही लेना, जो कि तुम्हारा बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि रैम वगैरह का वो जो क्लिक्स होते हैं, जो मतलब होते हैं ना हैंडल्स होते हैं वो, या हुक जो भी बोलो तुम, वो सही है कि नहीं, वो चेक कर रहा हूँ बस, बाकी और तो कुछ चेक नहीं कर सकता मैं। और ये इसके अंदर हीट सिंक आता है पहले, वो भी एक अच्छी बात है, मदरबोर्ड के अंदर खुद से आता है सब, ठीक है? अब ये हमारा प्रोसेसर, भाई प्रोसेसर तुम खोलोगे ना तो मुझे पता है अजीब सा लगा कि प्रोसेसर के अंदर सिर्फ मुझे है ना फैन दिख रहा था, प्रोसेसर ही नहीं दिख रहा था, लेकिन फैन के बगल में चिपका के रखा था प्रोसेसर हम लोगों ने। तो प्रोसेसर का मैं डब्बा खोल रहा हूँ, इसके अंदर प्रोसेसर है। तुम लोगों को जितना दिख रहा है उतना देख लो यार, अब इससे तो अच्छा वीडियो नहीं बना सकता था मैं, और तो कुछ वो है नहीं। तो ये हमारा प्रोसेसर है, और देखो प्रोसेसर जो साइड में, जहाँ पे मैं ये ना नीचे तो वो है उसका सिर, पहले मैंने देखा इसका हाथ में सिर्फ ये आया है, इसका स्टॉक कूलर है ये, और उसके नीचे भी थर्मल पेस्ट लगा है जो मेरे हाथ में चिपक गया है। अभी ये प्रोसेसर इसके साइड में दिख रहा है, यहाँ पे कोने में चिपका के रखा है प्रोसेसर। मेन चीज़ तो बीच में डालो इसको, तो चाहे बाहर साइड में चिपका दो या फिर इसको आसपास चिपका दो। तो ये है, और ये पता नहीं प्रोसेसर कैसे चिपका है, मतलब तो पहली बार में खुला नहीं, तो मुझे फिर वही अपना तरीका फाड़ दो, जो चीज़ खुलती नहीं उसको फाड़ के उसका अनबॉक्सिंग करो। तो ये प्रोसेसर है, ये है 11 जनरेशन i5 है, 11
400F। एफ मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं ग्राफिक कार्ड ले रहा था, अगर तुम लोग ग्राफिक कार्ड नहीं लोगे तो 400 लेना, उसमें ग्राफिक्स की पिन आती है और उसी चीज़ के कारण वो प्रोसेसर गर्म भी रहता है थोड़ा। तो अभी मैंने है ना, अभी मैंने वो लिक्विड कूलर नहीं लिया है, एयर कूलर लिया है, क्योंकि ये प्रोसेसर नॉर्मली ठंडा रहता है, क्योंकि ना तो इसको ग्राफिक्स से कनेक्ट करना है, इसको फिर नॉर्मली जो अपना काम करता है वो करना है इसको, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिक्विड कूलर नहीं लिया, स्टॉक कूलर लिया है, सॉरी एयर कूलर लिया है। स्टॉक कूलर तो ये मेरे हाथ में है अभी, तो ये है बस, यही काम आएगा अभी, ये बच्चों के खेलने का काम। चलो ठीक है, अब मैं अपना वो खोलता हूँ, सीपीयू कूलर, एयर कूलर। ये है गेमेक्स 400V2, करीब करीब 1600 का पड़ेगा तुम्हें अमेज़ोन से, बाकी जगह से मंगाओगे तब भी 1500 में, 150 रुपये का फर्क होगा, बाकी ये इतने में मिल जाते हैं, इसका कुछ वो खास है नहीं। लेकिन ये कूलर भी बहुत बड़ा है, मतलब लाइक तुम, हाँ ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा इतना बड़ा कूलर है। एक बार में फ़ैन शायद इसका 120 mm के फ़ैन है और स्पीड तो एकदम भयंकर फाड़ के चलता है, ठीक है। अभी मैं लगा के रखा है तो वीडियो बना, ये मतलब वीडियो एडिट करते हुए देख रहा हूँ साइड में सीपीयू पे, तो भयंकर फाड़ के चलता है ये सब। और यार मदरबोर्ड के टाइम पे एक बात बताना भूल गया था, मदरबोर्ड जो है तुम जो B460 या 550 लेते हो तो उनमें रैम तुम्हारा 2677 पर लॉक हो जाता है, इस मदरबोर्ड में ऐसा नहीं है, ये पूरा तुम्हारा रैम चलाएगा 3200 पर। अगर तुम वो मदरबोर्ड ले रहे हो तो 3200 रैम मत लेना। तो ये सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं सीपीयू के, लेकिन मैंने वाकई हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम और मॉनिटर नहीं दिखा हुआ है, ये हार्ड डिस्क पड़ी हुई है। ये SSD है 500 GB, ठीक है, प्राइस सबका ऊपर लिखा हुआ है मैंने, तुम देख सकते हो कितने का मिला मुझे। और ये i5 11th generation है और ठंडा रहता है, इसके लिए सीलिए सुपर कूलर लिया था मैंने, वो मदरबोर्ड था, ये सीपीयू कूलर है और दो रैम है। अगर 16 GB लेना के सोच रहे हो तो 8 GB का ही लेना। ये हमारा ग्राफिक कार्ड है 3070 Ti सुप्रीम एक्स और ये हमारा पावर सप्लाई है, ठीक है। और ये तो इनके डब्बे पड़े हुए, इनको छोड़ो। और ये हमारा कैबिनेट है और अब हम इस सबको मिला के बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करने का तुम वीडियो देखो। और ये इनके सबके डब्बे और ये 3, 2, 1,